हे नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही YouTube चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन समेत पासपोर्ट बनवाने संबंधित और भी बहुत सारी कमाल की जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ECNR और नॉन ECNR पासपोर्ट के बारे में कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आप अटैच करके अपने एप्लीकेशन के साथ बहुत ही इजीली आप नॉन ECR मतलब कि ECNR पासपोर्ट बनवा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि इंडिया में टोटल दो कैटेगरी के पासपोर्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है ECR जिसका मतलब हुआ इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, दूसरा होता है नॉन ECR जहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी इमिग्रेशन चेक का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको क्लियर बता दूं, ECR और नॉन ECNR का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जो कि बाहर, ठीक है, अपने कंट्री से बाहर किसी एजुकेशनल पर्पस के लिए जा रहे हैं या फिर वहाँ पे वो जॉब करने के पर्पस से आप विदेश जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप टूरिज्म के लिए कहीं जाना चाहते हैं, मतलब घूमने फिरने के शौकीन हैं, तो यहाँ पे ECNR और नॉन ECNR का कोई भी चक्कर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो लॉन्ग टर्म वीज़ा पे बाहर जाना चाह रहे हैं, कहीं विदेश में सेटल होना चाह रहे हैं, उनके लिए होता है। और स्पेशली जो टोटल जो 17 ऐसे गल्फ कंट्रीज़ हैं, लाइक दुबई, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, ऐसे गल्फ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हैवी अमाउंट में बाहर से लोग जाते हैं जॉब करने के पर्पस से, वहाँ पे कुछ बिजनेस करने के पर्पस से, तो उन लोगों के लिए जो है लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए यहाँ पे नॉन ECNR पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कहीं विदेश घूमने जाना चाहते हैं, टूरिस्ट पर्पस पे, आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे नॉन ECR और ECNR का कोई भी यहाँ पे डिफरेंस मायने नहीं रखता है। ऐसे में दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टोटली बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जिसको आपको लगाना होता है, तभी जो है आपका नॉन ECNR या फिर ECNR पासपोर्ट बनता है। दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर डॉक्यूमेंट है वो होता है 10वीं की मार्कशीट, जो आपके मैट्रिक का मार्कशीट है, वही सबसे बेसिक और सबसे कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट होता है ECNR पासपोर्ट बनवाने के लिए। बेसिकली दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि हाँ, बंदा एटलीस्ट 10वीं पास है और ये विदेश जाकर काम करने लायक है। सीधे सीधे जो है ECNR का मतलब यही होता है, ठीक है। अगर कोई अनपढ़ है, कोई गवार है, तो वो तो घूमने फिरने बाहर जा सकता है, लेकिन काम करने में थोड़ा सा उसको मुश्किल होगा, क्योंकि जो बंदा बिल्कुल अंगूठा छाप है वो विदेश में कैसे सर्वाइव करेगा, वहाँ पे कुछ कैसे काम करेगा, वहाँ के लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा। लेकिन वही कोई अगर अंगूठा छाप भी है, उसके पास पैसे बहुत सारे हैं, तो वो आराम से बाहर जाकर जो है टूरिस्ट के तौर पर जाकर घूम फिर सकता है, पैसे उड़ा के वापस आ सकता है, ठीक है। तो टोटली गाइज, यहाँ पर आपको ECNR पासपोर्ट बनवाने के लिए जो सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट होता है वो होता है 10वीं की मार्कशीट, ठीक है। इसको लगा देने से जो पासपोर्ट डिपार्टमेंट है वो श्योर हो जाता है कि हाँ, ये जो एप्लीकेंट है कम से कम 10वीं पास है और ये जो है ECNR पासपोर्ट बनवाने लायक है। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसे बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं जिसमें हमारे सब्सक्राइबर्स या फिर वैसे लोग जो कि नया पासपोर्ट बनवाने वाले हैं और अभी वो पासपोर्ट अप्लाई करने का सोच रहे हैं, वो ECNR पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं लेकिन उनके पास 10वीं की मार्कशीट नहीं है। अब ये एक सुना सुनाया मिथ है कि 10वीं की मार्कशीट होगी तभी आपका ECNR पासपोर्ट बनेगा। 10वीं की मार्कशीट नहीं है तो आपका ECNR नहीं बनेगा, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बात, अगर आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और किसी कारणवश अगर आपकी 10वीं की मार्कशीट नहीं मिल रही है, गुम हो गई है, तो आप उसके ऊपर के जितने भी आपके क्वालिफिकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप प्लस टू का लगा सकते हैं, आप अपना ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगा सकते हैं, या फिर अगर आपने उसके ऊपर भी पढ़ाई की है, अगर आपने PhD किया है, मतलब ये कि कम से कम तो 10वीं पास होनी ज़रूरी ही है, उसके ऊपर अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो आप उसको भी लगा सकते हैं, वो भी वर्क कर जाएगा। मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ मिनिमम जो है 10वीं पास होना ये आवश्यक है, इसके ऊपर तो आप कितने भी पढ़े लिखे हों तो आप उस डॉक्यूमेंट को लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर, क्या 8वीं की जो मार्कशीट है वो लग सकती है ECNR पासपोर्ट के लिए? क्लियरली नो, ठीक है। बिलो 10th कोई भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अलाउ नहीं है ECNR पासपोर्ट के लिए। तो दोस्तों, इससे आपका एजुकेशनल पर्पस वाला जो डॉक्यूमेंट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दैट,
ठीक है, आपके पास 10वीं मार्कशीट नहीं है, 12th की मार्कशीट नहीं है, आपने पीएचडी कुछ भी है, आपके पास सर्टिफिकेट कुछ नहीं है, तो अब क्या किया जाए? ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों जो सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट है जो कि हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ वो होता है ITR रिटर्न की कॉपी, जिसको ITR रिटर्न फाइल कॉपी भी बोलते हैं। दोस्तों ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है और ये इंश्योर करता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है और आपकी कितनी अच्छी है और आप भारत के एक जिम्मेदार टैक्स पेयर हैं। तो दोस्तों अगर आपका जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो ITR है, अगर आपने उसका जो ट्रांजेक्शन है आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर का अगर 10 लाख को क्रॉस कर गया है तो आप उसको अपने ITR की कॉपी को लास्ट 1 या 2 ईयर की कॉपी को आप वहां पे RPO के अंदर शो कर सकते हैं टू मेक श्योर कि आप ECNR पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके लास्ट जो फाइनेंशियल वित्त वर्ष का टोटल आय और व्यय अगर 10 लाख को क्रॉस करता है और अगर आपने ITR फाइल किया है तो आप उस डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं यहाँ पे ECNR पासपोर्ट के लिए, और ये काफ़ी फास्ट और काफ़ी कन्वीनियंट है एज़ कम्पेयर टू 10th मार्कशीट। क्योंकि दोस्तों अगर आप 10वीं की मार्कशीट जो है अगर आप वो जमा करते हैं तो वो RPO जो है वो भेजता है आपके बोर्ड ऑफिस को वेरिफिकेशन के लिए, आप जिस बोर्ड से भी पढ़े लिखे हैं, अगर आप राजस्थान बोर्ड से हैं, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, UP बोर्ड से हैं, तो वो बोर्ड ऑफिस को भेजता है टू मेक श्योर कि हाँ ये सर्टिफिकेट जो है कहीं फर्जी तो नहीं है, जाली तो नहीं है। तो ये बोर्ड ऑफिस से अटेस्टेड होकर आने में वक्त लगता है, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इस वजह से लोगों के पासपोर्ट एप्लीकेशन जो है वो होल्ड पे हो जाते हैं। लेकिन वही अगर आप ECNR प्रूफ के लिए ITR की कॉपी लगाते हैं तो गाइज ITR की कॉपी नकली बनाई नहीं जा सकती है, पॉसिबल ही नहीं है, और वहाँ पर जो है आपका जो पैन नंबर होता है वो डालकर वहाँ पर इंस्टेंटली चेक किया जा सकता है कि हाँ ये जो इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल है बिल्कुल 100% जेन्यून है। तो गाइज ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके नाम से कोई प्रॉपर्टी है जिसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख से ऊपर है तो आप इसको भी लगा सकते हैं ECNR पासपोर्ट के लिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता नहीं होता है, ठीक है, साउथ के मैक्सिमम लोग जो है इसी का यूज करते हैं, ठीक है, टू मेक श्योर जो प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेंट के नाम से ही होना चाहिए, उनके स्पाउस या फिर पेरेंट्स के नाम से नहीं होना चाहिए, और उसका जो मार्केट वैल्यू है वो 50 लाख से ऊपर होनी चाहिए, तो आप उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को एज ए ECNR पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट के लिए आप उसको अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने कोई पॉलिसी ले रखी है LIC के अंदर या फिर किसी गवर्नमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी से तो भी आप उसको लगा सकते हैं ECNR के तौर पे। हालांकि कहीं कहीं जो है इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन अगर आपका जो पॉलिसी है वो काफ़ी पुराना है और आपने उसका प्रीमियम टाइमली पे किया है तो ये जो है चांसेस होते हैं कि इसको भी एज ए ECNR पासपोर्ट के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाता है। सो दोस्तों अपार्ट फ्रॉम 10th मार्कशीट ये कुछ ऐसे दस्तावेज थे, आपका ITR की कॉपी, आपके प्रॉपर्टी का पेपर, साथ ही साथ आपके इंश्योरेंस का प्रीमियम का लेटर, इन चीज़ों को आप लगा सकते हैं ECNR पासपोर्ट के लिए। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूँ, अगर आपका पासपोर्ट बनवाने का पर्चेस सिर्फ और सिर्फ घूमना फिरना है, टूरिस्ट का है, तो आप ECNR के चक्कर में मत फंसो, आप नॉर्मली जो है ECR पासपोर्ट बनवाओ, वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट और कन्वीनियंट होता है। लेकिन अगर आपका पर्पस ही अगर आप बाहर में जॉब करने जाना है या फिर किसी और पर्पस के लिए तो आप यहाँ पे ECNR पासपोर्ट बनवाओ, और अपने 10वीं की मार्कशीट अगर है तो वही लगाओ, ठीक है, अगर वो नहीं है तो आप मेरे इन बताए हुए दस्तावेजों को लगाकर बहुत ही आसानी से आप ECNR पासपोर्ट को बनवा सकते हैं। दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको माइंड में आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन था डॉक्यूमेंट्स को लेकर ECNR पासपोर्ट के लिए वो पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके मन में कोई और शंका है, किसी प्रकार का कोई और प्रश्न है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जय हिंद दोस्तों।